नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल कॉम्पिटिशन अड्डा में। और जैसा कि आप सब स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी संविदा भर्ती से रिलेटेड कुछ न कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो पे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोग मेरे पास कमेंट किए थे कि संविदा भर्ती कब तक में आने वाली है या आप उसके पर वीडियोज क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो उसका रीज़न ये था जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट जो है संविदा भर्ती की अनाउंस नहीं की गई दोस्तों। यही रीज़न है कि मैं अभी तक अपने चैनल पे कोई भी डेट आप लोग को नहीं बता रहा था कि संविदा भर्ती की ऑफिशियल डेट कब है, कब से नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम डेट कब है। जबकि मैंने देखा कुछ चैनल्स ने तो मार्च में एग्ज़ाम डेट भी निकाल दिया, 8 जनवरी से इसके डेट स्टार्ट कर दिए थे नोटिफिकेशन के डेट ऑनलाइन फॉर्म के, ठीक है। तो ऐसी बहुत ढेर सारी जानकारियां सामने आ रही थी, मगर मैं कोई वीडियोज अभी तक नहीं बना रहा था क्योंकि मैं वेट में था कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ इसके बारे में मिले, ठीक है। और यही रीज़न है कि मैंने अभी तक आप लोग को कुछ भी नहीं बताया कि कौन सी डेट फिक्स हुई है और कब एग्ज़ाम हो सकता है संविदा का, क्योंकि अभी कुछ क्लियर भी नहीं है फ्रेंड्स। मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है, कोई भी फेक न्यूज़ मैं आपको नहीं बताना चाहता। तो अभी चलिए जो न्यूज़ मुझे मिली है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब इसको कुछ लोग फेक न्यूज़ देखिए बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि मुझे ऐसे में बहुत अजीब लगता है। मैं आपके सामने पूरा प्रूफ लेकर आता हूँ। ये दैनिक भास्कर सागर संभाग का पेपर है 12 जनवरी 2018, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी फेक न्यूज़ तो ना बोलें, और साथ में जो लोग बोलते हैं तो भाई उनका तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको, संविदा शिक्षक कोचिंगों में हल्ला, पीवी शेड्यूल में जिक्र नहीं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको जब व्यापम के एग्जामिनेशन शेड्यूल का वीडियो भी बनाया था उस पर मैंने बताया था कि अभी तक कोई भी संविदा या पुलिस की भर्ती के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। वो बात अलग है कि बीच में स्लॉट खाली किए गए हैं तो हो सकता है वहाँ एग्जाम हो जाए, ठीक है। तो अभी देखिए इस न्यूज़पेपर का, देखिए पूरा तो मैं पढ़ के आपको नहीं सुना पाऊँगा, बट मैं मेन चीज़ बताता हूँ। इसमें ये बताया गया है कि अच्छा हाँ दोस्तों, इसका जो मैं इमेज है ना, ये PDF फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको इसका मेन बता रहा हूँ क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है कि 2018 में पीवी ने अभी तक कोई भी संविदा भर्ती के लिए जो ऑफिशियल डेट है वो अनाउंस नहीं की गई है, मगर कई कोचिंग संस्थान के द्वारा कुछ भी अपनी तरफ से जो भी पेपर्स में निकल रहा था कि 8 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा। आप सबको भी पता होगा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, ये सब हल्ला किया गया था, ठीक है, कि इतने से इतने के बीच में ये एग्जाम होगा, इतने से इतने के बीच में ये एग्जाम होगा। तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है पीबी के द्वारा अभी तक नहीं किया गया था, ठीक है, और ना ही अभी किया गया है कि कब एग्जाम होगा। ये बात अलग है कि यहाँ पास बताया गया है जो हमारे परीक्षा नियंत्रक जी हैं श्री AKS भदौरिया जी, उनके द्वारा बताया गया है कि शिक्षा विभाग से संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने पर मौखिक सहमति मिली है। हमने इसके लिए स्लॉट भी बचा कर रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बीच में स्लॉट बहुत खाली हैं, वो एग्जाम हो सकते हैं। पिछले साल संभावित तारीखें शामिल की थीं कोचिंग संचालकों द्वारा आवेदकों को भ्रमित करने की शिकायतें मिलने के बाद तारीखें शेड्यूल से हटा दी थीं, इसलिए इस बार शेड्यूल में तारीखें शामिल ही नहीं की, ठीक है। तो ये उनका बोलना है, तो ये उनका ऑफिशियल वर्क है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। बट जो भी अभी तक न्यूज बोली जा रही थी कि इसके बीच में एग्जाम होगा, तो अब आप बिल्कुल भी अपना ध्यान रखें, अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो टाइम है ना, अभी आपके पास 2-3-4-5 महीने आराम से हैं, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप अपनी तैयारी पे भी ध्यान दें, ठीक है, और ऐसा कुछ भी अभी डेट नहीं आई है, इस बात को मैं क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि भास्कर पेपर के ये पेज में निकला हुआ है। तो मैं इसी बेस पे आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी करें। और पिछले साल तारीख घोषित कर हटाया था शेड्यूल, ये भी रीजन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पास पढ़ सकते हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दे दूंगा, ठीक है। और इधर देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, इधर मैसेज में दावा परीक्षाएँ मार्च में होंगी, ये भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक यही चीज़ है इसमें कि बिना मतलब का हल्ला जो है वो मचाया जा रहा है कि अभी एग्जाम है, कब एग्जाम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, ठीक है, और जब भी आएगी तो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा कि क्या क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है,
क्या कैसे है मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, बट दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें ताकि कोई भी फेक जो न्यूज है वो आपको ना मिल सके, मेरी कोशिश यही रहती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आप लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज मैं प्रोवाइड करूँ आप तक पहुँचा सकूँ उन वीडियोज को। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटे का निशान होगा, उसको जरूर दबा दें ताकि जो भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए थैंक्स।